हेलो वेलकम टू विरेन एक्वा वर्ल्ड। तो चलिए इंतजार की घड़ियां हुई आज खत्म। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने लगातार मुझसे कह रहे थे कि अपना वो फॉरेस्ट वाला एक्वेरियम दिखाइए। तो चलिए इंतजार की घड़ी आज खत्म करते हैं। फाइनली आज हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको उस एक्वेरियम से आज हम रूबरू कराएं, वो एक्वेरियम आपको दिखाएं। तो चलिए पर्दा हटाते हैं इससे। तो कैसा लगा आपको एक्वेरियम? मजा आया? तो ये था हमारा अमेजोन रिवर बेस फॉरेस्ट एक्वेरियम। यानी हम चाहते थे कि एक अमेजोन फॉरेस्ट का लुक दें, तो उसमें ना अभी हम काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। अभी इसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप ये मैच्योर होगा, और जब ये कम्प्लीटली मैच्योर हो जाएगा जो इसका लुक आएगा ना जबरदस्त वाला, वो देखते ही बनेगा। मतलब उसका तो एक अलग ही लेवल पे मजा आने वाला है। लेकिन अभी भी जो थीम हमने सोची थी, जहां तक हम इसको ले जाना चाहते थे, उसका बेसिक हम तैयार कर चुके हैं और रिजल्ट आपके सामने है कि किस तरह का ये हमने बना लिया है। तो ये लगभग पिछले 4 महीने की हमारी मेहनत है। पिछले 4 महीने से हम इस हार्डस्केप में लगे हुए थे, इसको डिजाइन करने में किस तरह से क्या करना है, मतलब बहुत सारा दिमाग में चीज आई। लेकिन फाइनली जो एकदम नेचुरल तरीके से लगा ना, हमने नेचुरल तरीके से इसको बनाया कि एक नेचुरल लुक आए, कुछ भी आर्टिफिशियल ना लगे, लगना चाहिए एक फील फिश को आना चाहिए कि वो एक ना अपने नेचर में है। इसको नेचर बनाना चाहते थे, एक नेचर एक्वेरियम होता कैसा है हम वो बनाना चाहते थे, वो फील लेना चाहते थे। तो काफी हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं, और जब ये टैंक मैच्योर होगा ना तो ये प्रॉपर एक नेचर एक्वेरियम लगेगा, और तब का वीडियो बना के आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी अभी भी ना मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। बाकी आप लोग जरूर कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, कितने आप सेटिस्फाई हो, और इसके अंदर क्या क्या हमें करना चाहिए, सजेशन भी आपके हमें जरूर चाहिए। तो सजेशंस भी आपको हमें देने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस एक्वेरियम के बिल्डअप की, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार किया, क्या क्या चीजें लगी, क्या क्या यूज किया, और कितनी मेहनत लगी। मेहनत तो बहुत लगी, वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, बता ही नहीं पाऊंगा। तो मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस एक्वेरियम के फिल्ट्रेशन की। आपको लगेगा मैं बार बार फिल्ट्रेशन के लिए क्यों बोलता हूँ। देखिए, कोई भी एक्वेरियम अगर आपको बढ़िया से चलाना है ना, उसके लिए उसका फिल्ट्रेशन अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि फिश की बेसिक नीड ही पानी है। पानी के बिना रह नहीं सकते ये लोग। तो पानी अगर हमारा साफ है ना, तो आपका एक्वेरियम फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई प्रॉब्लम फिश को नहीं आएगी। तो इसका फिल्ट्रेशन क्या है कि इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है, फिल्ट्रेशन का सिस्टम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इधर आइए आप, है ना। तो देखिए, यहाँ से ये हमारा फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। पहले भी इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जब इसमें मॉन्स्टर फिशेस थी, लेकिन अभी थोड़ा चेंज ओवर हुआ। इसमें चेंज ओवर ये हुआ कि यहाँ से हमारा पानी, यहाँ पे हमने देखिए अभी ना छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल हमने बांध दिए मैश के, ताकि फिशेज इसमें सक करके बाहर ना चले जाए। तो यहाँ से पानी हमारा इधर डाउन हुआ हमारे इस टब के अंदर, और इसके अंदर हमने लगाया है अपना बहुत सारा मीडिया। देखिए, उन्हीं एक मीडिया में सबको मैं दिखाता हूँ। इसमें हमने यूज किया है सीकेम का डी मैट्रिक्स। ये देखिए, सीकेम का डी मैट्रिक्स है। ये क्या है ना सर, ये अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्रेट को ना फुल्ली कंट्रोल करता है। डी मैट्रिक्स ना, ये जो हमारा 4 लीटर का एक बकेट है इसका, तो ये लगभग 4000 लीटर के करीब पानी को फिल्टर करने के लिए ना इनफ है। बट हमारा ये जो टैंक है ना, इसका पानी जो है वो लगभग 1000 लीटर का है। तो उस हिसाब से ना हमने बढ़िया फिल्ट्रेशन रखा है, बढ़िया मीडिया रखा है फिल्ट्रेशन के लिए, ताकि फिशेस को कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह से ना आए, पानी क्रिस्टल क्लियर रहे, और किसी भी तरह का अमोनिया नाइट्रेट नाइट्रेट वाला पंगा हमारे इस एक्वेरियम के अंदर ना आए। और डी मैट्रिक्स के अलावा भी ना, इसमें हमने काफी सारा सेरेमिक जियोलाइट, मतलब बहुत सारा, लगभग 25 से 30 किलो फिल्टर मीडिया अपने इस हमने बॉक्स के अंदर यूज किया है, ताकि फिल्ट्रेशन ना एक्सट्रीम लेवल पर रहे। बार बार मैं आपको यही कहता हूँ कि फिल्ट्रेशन अगर आपके एक्वेरियम का अच्छा है ना, प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं आएगी। तो जब भी आप इस तरह का एक्वेरियम प्लान करें, बिग साइज एक्वेरियम काफी सारी फिशेस के साथ में, तो सबसे पहले जो आपको स्टडी करनी है अपने फिल्टर को लेकर करनी है। मुझसे बात कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी एक्वेरियम एक्सपर्ट है उससे बात कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं,
लेकिन फिल्ट्रेशन पे आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि फिल्ट्रेशन अगर अच्छा होगा ना तो आपका एक्वेरियम एक अलग ही मजा आएगा आपको देखने का, और फिश भी उसमें एंजॉय करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो अगला स्टेप था जो हमने किया था उसमें वो लगाया था हमने CO2 सिलेंडर। तो CO2 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है बॉस, क्योंकि हमारे प्लांट्स को ना CO2 चाहिए होता है, बिना CO2 भी रन करते हैं लेकिन CO2 है तो बहुत बेस्ट है, वेरी गुड है। तो देखिए हमने किया क्या, हमने लगाया इसमें ये एक 4.5 लीटर का CO2 सिलेंडर जो कि सोलेनोइड के साथ में हमने यूज किया, बिना सोलेनोइड के भी आता है, बट सोलेनोइड का फायदा ये है ना कि इसको हम अपनी लाइटिंग के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने CO2 को कंट्रोल कर सकते हैं कितने टाइम हमें ऑन ऑफ करना है, तो वो CO2 सोलेनोइड के साथ में कंट्रोल होता है। अच्छा देखिए हमने यहाँ पे ना एक DIY फॉर्मूला किया बड़ा अच्छा अपने सोलेनोइड CO2 सेटअप के साथ में, कि जब हमारा डिफ्यूजर यहाँ पे ना बबल्स को डिफ्यूज करता है तो इसके ऊपर हमने इस तरह से एक छोटा सा फिल्टर का लगा के और ये एक इस तरह का सेटअप बनाया, यहाँ से CO2 गई इस वाले पोर्शन में और यहाँ से अच्छे से ना मिक्सअप हो गए नीचे रिलीज हो गई। इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि हमारा जो CO2 है ना बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गए, पूरी तरह से मिक्सअप हो गए टैंक में रिलीज होगा, तो बढ़िया से रहेगा। इस तरह से आप DIY कर सकते हैं, बेनिफिट रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं लाइटिंग की। देखिए अगर हम प्लांट्स यूज कर रहे हैं, लाइव प्लांट्स यूज कर रहे हैं, तो लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इस एक्वेरियम के अंदर ना हमने लगभग 90 वॉट्स की लाइटिंग यूज की, मतलब जो सारी लाइटें हैं उन सबका जो एक कैलकुलेशन वॉट है वो लगभग 90 वॉट है। वो अलग अलग ना टाइम पे जलती हैं, अलग अलग टाइम पे उनको हम यूज करते हैं, कि हमने टाइमर लगाया हुआ है। और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, सुबह 4 घंटे चलती है और उसके बाद शाम को 4 घंटे चलती है, बीच का जो ड्यूरेशन टाइम है उसमें हल्की सी हम लाइट चलाते हैं ताकि बस सिर्फ फील आए। सुबह अगर हम 4 घंटे लाइट देंगे, शाम को लाइट देंगे, बीच में ब्रेक करेंगे, उससे फायदा क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा। उससे फायदा ये होगा कि एल्गी कहीं नहीं आएगी, एल्गी रुकेगी नहीं, आपके टैंक में एल्गी आने का मतलब जीरो हो जाएगा। ये एक्वेरियम आप देख रहे हैं इसमें एल्गी नहीं है कहीं भी, क्यों नहीं है, क्योंकि हम ब्रेक करते हैं बीच में लाइटिंग को। सुबह 4 घंटे देते हैं, शाम को 4 घंटे देते हैं, बीच में ब्रेक रहता है, उसमें सिर्फ एक छोटी सी डिमर लाइट जलती है, वो भी हमारी ना टाइमर के साथ है। टाइमर आते हैं जो कि ऑटोमेटिक आप है ना किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, तो इसमें आप है ना वाईफाई से कनेक्ट करके और टाइमर इसको यूज कर सकते हैं अपनी लाइटिंग को और अपने फिल्ट्रेशन को, अपने सोलेनोइड को, मतलब जो भी आप मैनुअली नहीं कर सकते वो इसके साथ में जाके आप है ना कनेक्ट करके उसको ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। तो हमने CO2 का बताया आपको, अब लाइटिंग का बताया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या ना, जो हमारे प्लांट्स हैं तो भाई साहब इनको भी तो खाना चाहिए। अब इनको हम खाने में क्या खिला रहे हैं, अजीब लगेगा ना आपको। देखिए प्लांट्स को भी खाना चाहिए, जरूरी होता है, यानी कि फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में हम लोग देखिए एक्वेटिक रेमेडी एक ब्रांड है, उसका हम K++ यूज कर रहे हैं, उसका हम प्लांट हेल्थ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और उसका हम ये वाला ना प्लांट फूड यूज कर रहे हैं। तीनों बहुत इफेक्टिव हैं और इस एक्वेरियम को जो प्लांट्स ग्रो कराने में इनका बड़ा अच्छा सहयोग है, और लिमिटेड रेशियो में डालने हैं इनके ऊपर ना यूज करने का एक रेशियो लिखा हुआ है, आप उस रेशियो से ही यूज कीजिए। ओवर कभी भी फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए, अगर आप ओवर डालेंगे ना तो एल्गी लेकर आएगा, प्लांट्स खराब होंगे। हर चीज एक है ना लिमिटेड रेशियो में करेंगे यूज, तो आपका टैंक फर्स्ट क्लास रहेगा, लुक आएगा। तो इस तरह से आपको ये यूज करने हैं। अब हमने आपको प्लांट्स के फूड के बारे में तो बता दिया, अब हमारी ये फिश क्या खाती है, तो ये देखिए ये किस तरह से अपना फूड एंजॉय कर रही है। और खाने में इनके पास है ना, हमारे पास रेंज की कमी नहीं है। हमने इसमें ना देखिए शेरा का फ्लैक्स रखा है, हमने टेट्रा का टेट्रामाइन रखा है, इंडियन का गप्पी पैरेट रखा है, और हमने फिर दोबारा से ना टेट्रा का गप्पी फ्लैक्स रखा है, और इस तरह से बहुत सारे वेरियस एक किए हमारे पास फ्रिज ब्लड बॉम्ब्स हैं, मतलब काफी सारी हमने वैरायटीज यहाँ पे फूड की रखी है ताकि फिश को ना किसी भी तरह से कैल्शियम प्रोटीन विटामिन की कोई कमी ना हो। वेरियस खाने रखिए अपनी फिश के लिए ना, वेरियस फूड रखिए, अलग अलग तरह के फूड्स यूज कीजिए, क्योंकि देखिए हर फूड में कंटेंट मिला होता है, किसी में प्रोटीन अच्छा है, किसी में फाइबर अच्छा है, किसी में कैल्शियम अच्छा है, फिश को ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो हर फूड में अलग अलग रेशियो में रहता है। तो मेरी तरफ से सजेशन है कि कोशिश कीजिए अलग अलग तरह के फूड यूज कीजिए, ताकि देखो हम भी तो ना एक दिन कुछ दाल खाते हैं तो दूसरे दिन हमें दूसरी चीज चाहिए, यूज करते हैं ना अलग अलग सब्जियां, तो इस तरह से इनको भी आप अलग अलग फूड दीजिए, ताकि इनका भी एक तो ग्रोथ अच्छे से हो, कलरेशन अच्छा रहे और डाइजेशन वगैरह फर्स्ट क्लास चले, और इनको किसी तरह के भी प्रोटीन कैल्शियम विटामिन की कमी ना हो। अच्छा फूड की तो मैंने आपको बता दी, अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। हफ्ते में एक दिन ना इनको
व्रत पे रखना है। क्या बोला मैंने? व्रत पे रखना है। फनी रहे आपको? नहीं नहीं, ये फनी नहीं है। असल में एक दिन आप इनको फास्टिंग पर रखेंगे ना, तो इनका डाइजेशन का जो सिस्टम है बढ़िया रहेगा, इम्प्रूव होगा। क्योंकि जिस दिन खाना नहीं खाएंगे, ये अच्छे से स्विम करेंगी, पेट वगैरह इनका अच्छे से साफ होगा, बढ़िया रहेगा। तो हफ्ते में एक दिन अपनी फिश को फास्टिंग पे भी जरूर रखिए। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने में ना हमें बहुत कुछ चीजें यूज करनी पड़ी। क्या क्या यूज करनी पड़ी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं, ताकि आपको इजी हो जाए। अगर आप ऐसा एक्वेरियम बनाना चाहते हैं, इस तरह का आप स्केप करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें यूज करने को लगेगी, क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले ड्रिप फ्रूट्स हम इसके लिए लेके आए थे, और ड्रिप फ्रूट्स के साथ में ना हमने कुछ रॉक्स लगाए। इसमें काफी सारे रॉक्स हैं जो कि छुपे हुए हैं, ड्रैगन रॉक्स हैं, वॉल रॉक्स हैं, और इसके अलावा हमने इसमें ये इस तरह के पेबल्स लगाए हैं, और रिवर सैंड यूज किया है। अब रिवर सैंड के बाद जो नेक्स्ट है ना, ये हमने इसमें लावा रॉक के क्रस्ट यूज किए हैं छोटे छोटे, और बड़े वाले पेबल्स यूज कीजिए। और पीछे की तरफ ना देखिए, ये एकदम अलग स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, बट ये लकड़ी का नहीं है। आपको देखने में लकड़ी का लग रहा होगा, ये मैंने स्पेशली बनवाए थे इस एक्वेरियम के डेकोरेशन के लिए। इसके लिए मुझे बड़ा भाग दौड़ करना पड़ा, काफ़ी दौड़ना पड़ा, तब जाके मुझे एक आर्टिस्ट मिला जो कि इस तरह का वर्क करते थे। तो उनको मैंने डिज़ाइन समझाया, और उस डिज़ाइन की बदौलत उन्होंने ऐसे डिज़ाइन मुझे करके दिए, यानी कि काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी ये पीछे का मुझे इस तरह का फॉरेस्ट लुक देने के लिए। देखो ड्रिफ्ट फूड तो आसानी से मिल जाती है, बट इस तरह का जो फॉरेस्ट लुक मुझे चाहिए था, उसको करने के लिए ना बड़ी मेहनत लगी। तो उस डिज़ाइनर ने बड़ा अच्छे से काम किया, और मैं उससे फुल्ली सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसमें प्लांटिंग की। देखिए इसमें है ना अनुबियस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। इसमें अनुबियस कॉइन लीफ है, अनुबियस नाना, अनुबियस बर्तारी, बहुत सारा, और साथ में जावा फर्न हमने इसमें यूज़ किया है। और देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़, हमने ना इसमें मनी प्लांट्स को यूज़ किया अच्छे से। आप मनी प्लांट्स को एक्वेरियम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती किसी भी तरह की, बट कि अच्छा काम करता है आपकी फिल्ट्रेशन में भी काम करता है मनी प्लांट, यानी कि जो आपका है ना नाइट्रेट्स वगैरह बढ़ता है उसको कंट्रोल करता है मनी प्लांट। ये एक पॉइंट है, आपको इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं आप, ये नॉलेज मिलेगी आपको कि मनी प्लांट्स लगाने से नाइट्रेट लेवल भी कम होता है, काफ़ी हद तक वो कंट्रोल करता है। अब ये हमने ना टाई कैसे किए थे अनुबियस वगैरह, हमने सिंपली रबड़ बैंड यूज़ किया, हमने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं लगाया। आप देखिए क्लोजअप मैं आपको दिखा रहा हूँ, रबड़ बैंड के साथ हमने इनको लगा दिया था। कुछ दिनों बाद क्या ये धीरे धीरे अपने आप ग्रिप बना लेंगे, और जहाँ पे भी हमें कोई जगह दिखी ना ड्रिफ्ट्स के बीच में, हमने वहाँ पे बस इनको टाई कर दिया, किसी भी तरह से अंदर घुसा दिया ताकि वो सेट हो जाए। ये देखिए जहाँ पे भी वो लगे हैं और इस तरह से अच्छा लुक दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जब मैंने ये लगाए थे तब काफ़ी छोटे थे, अभी तो नए लीव्स आ गए हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने मॉस भी इसमें इसी तरह से ना जगह जगह टाई की, बीच बीच में लगा के। तो हमने कोशिश की कि जितना हो सके हम इसको ना केमिकल फ्री काम कर सकें, इस तरह से हमने अपने प्लांटिंग की है। और अभी इसमें हमने ना ये आमंड लीव्स भी इसमें यूज़ किए हैं, ताकि हमारे फिशेस को थोड़ा हाइडिंग मिले। एक्चुअली इसमें ना अभी ब्रीडिंग हुई है, इसमें क्रिबेंसिस फिश ने ब्रीड किया है, जो हमारे लिए बड़ा अच्छा शाइन है। मतलब मैं बड़ा खुश हुआ, इसलिए दिल से खुशी हुई कि हमारा जो काम था इसको एक नेचर बनाने का, एक अच्छा इकोसिस्टम जनरेट करने का, तो उसमें पहली कामयाबी ये हुई कि हमारी इसमें फिश ना, देखिए यहाँ पे आइए, इसमें ब्रीड कर दिया है क्रिबेंसिस फिश ने। ये देखिए साथ में इसके बेबीज़ हैं, छोटे छोटे बेबीज़ यहाँ पे घूम रहे हैं, और ये मदर और फादर भी इसमें साथ में दिख रहे हैं, अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बेबीज़ को, ताकि दूसरी फिश आके यहाँ पे अटैक ना कर दे। तो बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अभी तक तो कोई सिंगल कैजुअलिटी दिखी नहीं है, जितने बेबीज़ हुए थे सब मुझको ऐसे एजेटिस नज़र आ रहे हैं। तो ये था हार्डस्केप, अब अगला आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं इसके पानी के को लेकर। तो पानी में ना हम लोग जब सोच रहे हो कि इसका फिल्ट्रेशन तो बता दिया, तब पानी ऐड करने का क्या है? देखिए हर 3 या 4 दिन के अंदर ना लगभग 20 लीटर पानी इसका उड़ जाता है ना, क्योंकि इतना बड़ा टैंक है, इसके अंदर हीटर भी हमने यूज किया हुआ है, 26.5 यानी कि लगभग 27 के करीब इसका हमने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। तो पानी उड़ता है, देखिए अगर हीटर चलेगा तो पानी उड़ेगा। तो हर तीसरे चौथे दिन के बाद हम इसमें लगभग 20 लीटर पानी टॉपअप करते हैं, क्योंकि 20 लीटर करीब इसमें उड़ जाता है पानी। तो इस तरह से इसका हम टॉपअप करते हैं, पूरा पानी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी चेंज करने की। अब आप पूछेंगे कि पानी इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? देखिए सप्लाई वाटर जो आता है ना, हम लोग सप्लाई वाटर यूज़ कर रहे हैं, और इसके लिए हमने एक अलग से इसके लिए स्पेशली फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया। फिल्ट्रेशन सिस्टम में ना 2 कार्बन वो चैम्बर लगे हुए हैं, और 10 माइक्रोन तक वो क्लीन करता है, यानी कि बढ़िया फर्स्ट क्लास क्लीन करता है। क्योंकि देखिए बार बार पानी खरीदना तो बड़ा टास्क हो जाएगा, इसलिए हमने ऑटोमेटिक एक इसके लिए सिस्टम बना दिया। तो वहाँ से पानी फिल्टर होकर आता है, हम सिर्फ टॉपअप करते रहते हैं, पूरी तरह से क्लीन करने की जरूरत कभी पड़ेगी भी नहीं। क्योंकि फिल्ट्रेशन मैंने फिर आपको बताया था कि हमने इसमें सिकैम यूज़ किया है, और
बहुत सारी फिल्टर मीडिया यूज किए हैं, स्पॉन्जेस हैं, तो बहुत सारे लेयर्स हैं, तो इसलिए पूरा पानी बदलेंगे तो कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं इसके अंदर। तो लगभग 20 से 25 तरह की वैरायटीज ऑफ फिशेस का ये घर है, और इस तरह का ही हमने जो सेटअप किया है आराम से इंजॉय कर रही है। इस सेटअप को बनाने में अच्छी खासी मेहनत रही, लगभग 4 महीने का टाइम तो बीत चुका है, और अभी अगले 6 महीने तो और मजेदार होने वाले हैं, जो आने वाले 6 महीने ना, क्योंकि आने वाले 6 महीने में हम इसका जो मैच्योरिटी लेवल जाएगा ना उसको करेंगे, और हर स्टेप बाय स्टेप की आपको वीडियो बना के मैं दिखाता रहूंगा, क्योंकि मैं भी इससे बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, और जो मैं सीख रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप लोग भी वो देखें, आप लोग सीखें, इंजॉय करें, ताकि आप भी ऐसा डिजाइन कर सके, एक ऐसा एक्वेरियम बना सके जो एक हमारे नेचर को दिखा रहा है, और हम नेचर से जुड़ रहे हैं, जुड़े भी रहना चाहिए नेचर, क्योंकि नेचर है तो हमें नेचर से ही सब कुछ चलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। देखते रहिए वीरेन एक्वा वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।